आज हम बात करेंगे क्लास 7th के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था हीट। नेक्स्ट जो टॉपिक की आज हम स्टडी करेंगे दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, किस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होता है आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग करेंगे लाइन बाय लाइन एंड उसको समझने की आज हम कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो फ्राइंग पैन होता है जिसमें आप कोई भी चीज़ फ्राई करते हो, जब आप उसे फ्लेम के ऊपर गैस के ऊपर रखते हो तो किस तरीके से वो गर्म होता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स। तो क्या होता है कि उस समय जो आपकी उसमें जो हीट है फ्लेम से आपकी जो यूटेंसिल है उस वहाँ तक ट्रांसफ़र होती है, पास होती है। वैन द पैन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। जब आप वहाँ से उठा लेते हो तो धीरे धीरे क्या होता है पैन आपका ठंडा होने लगता है। वाई डज इट कूल डाउन, क्यों ठंडा होता है। अब सीखते हैं द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। क्या होती है जो हीट जो ट्रांसफ़र होती है पैन से जो सराउंडिंग एरिया है उसमें ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। आपने दोनों केस में क्या देखा, क्या समझा आपने कि जो हीट है वो आपकी फ्लो करती है कहाँ से, गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे की ओर, हॉटर ऑब्जेक्ट से ठंडे की ओर जो आपकी हीट वो फ्लो करती है। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। हाउ डज हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। कैसे हीट फ्लो करती है आओ इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक्टिविटी की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी 4.6, टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल। आपको या तो रॉड लेनी है या फिर स्ट्रिप लेनी है मेटल की पतली सी फ्लैट, से ऑफ एलुमिनियम और आयरन, जो कि आयरन और एलुमिनियम की बनी हो। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड। आपको क्या करना है, छोटे छोटे जो पीस है वैक्स जो मोम होती है मोम के आपको उसमें अटैच करना है। दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस। आपके जो पीसेस हैं बिल्कुल इक्वल डिस्टेंसेस पे होने चाहिए। क्लैंप द रॉड टू स्टैंड। आपको क्या करना है, जो रॉड है वो क्लैंप आपको स्टैंड के साथ अटैच कर देनी है। इफ़ यू डू नॉट हैव यू डू नॉट फाइंड स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि ब्रिक्स के जो ब्रिक्स होती हैं ईंटों के बीच में भी आप उसे रख सकते हैं। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। आपको क्या करना है, जो बचा हुआ एंड है आपका उसका जो आपने स्ट्रिप बनाई या रॉड बनाई है आप उसे हीट करोगे कैंडल की हेल्प से। देख पा रहे डायग्राम के अंदर इस तरीके से। व्हाट हैपन्स टू द वैक्स पीसेस, क्या होगा वैक्स पीसेस का। डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल, क्या जो पीस से नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। विच पीस फॉल्स द फर्स्ट, पहले कौन सा पीस नीचे गिरेगा। डू यू थिंक दैट, क्या आप सोचते हो दैट हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। क्या आप सोचते हो मतलब कि सबसे पहला वाला पीस कौन सा गिरेगा, जो फ्लेम के पास नियर वाला है या बाद वाला। तो क्या होगा, सबसे पहले आपका पीस वही नीचे गिरेगा जो फ्लेम के पास होगा, क्योंकि हीट यहाँ से इस साइड को ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। जो हीट ट्रांसफर हुई यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हॉटर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है ठंडा है, तो गर्म से ठंडे की ओर हीट ट्रांसफर होती है, इस बात को समझना आपको। तो क्या होगा, इस प्रोसेस जो यहाँ से हीट यहाँ पे इस साइड की ओर मूव कर रही है इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्शन। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जितने भी सॉलिड्स होते हैं उन सॉलिड्स में जो हीट है वो कंडक्शन के द्वारा ही ट्रांसफर होती है। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजली,
क्या सारे जितने भी सब्सटेंसेस हैं इजिली कंडक्ट करते हैं हीट को? नहीं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल. आपने देखा होगा जितने भी आपकी पैन होते हैं, अगर में पैन देखोगे आपने मेटेलिक पैन जिसमें आप कोई डिश बनाते हो, सब्जी बनाते हो, उसमें आपने हैंडल देखा होगा किसका बना होता है, प्लास्टिक का होता है या फिर लकड़ी का होता है. कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाई होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? आप उसे कुछ समय तक होल्ड कर सकते हो. आपने देखा होगा सब्जी उतार कर रखते हो आप, आपको हर्ट नहीं होता है ना. कैस क्यों नहीं होता है? देखते हैं, आओ एक्टिविटी पढ़ते हैं. एक्टिविटी 4.7, हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर. आपको छोटे पैन में या बीकर में क्या करना है, पानी को गर्म करना है. कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून, स्टील का स्पून लेना है, प्लास्टिक स्केल लेना है, पेंसिल एंड डिवाइडर, आपको डिवाइडर लेना है. डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर. आपको क्या करना है, सभी का एक एंड है वो पानी के अंदर डिप कर देना है. वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स. आपको कुछ समय मिनट के लिए वेट करना है. टच द अदर एंड. आपको फिर क्या करना है, वेट करने के बाद दूसरे एंड को टच करना है. एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3. जो टेबल 4.3 है इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको इसमें फिल करना है. मीन्स आर्टिकल कौन सा है, मटेरियल विद विच द आर्टिकल इज मेड ऑफ, किसका बना हुआ है. डज द हीट, डज द अदर एंड गेट हॉट. आपको दूसरा एंड गर्म लगा जाए, ठंडा लगा, इस तरीके से आपको फिल करना है. द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट. जो ईजिली हीट को पास कर देते हैं उन मटीरियल को बोलते हैं कंडक्टर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे एलुमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये क्या है कि हीट को ट्रांसफर कर देते हैं, इनको कंडक्टर्स बोलते हैं. द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड. पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स. ऐसे मटीरियल्स जो कि हीट को पास नहीं करते पुअर कंडक्टर्स कहलाते हैं. पुअर कंडक्टर्स और ऐसे मटीरियल्स को बोलते हैं इंसुलेटर्स बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं. द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. पानी और जो हवा है, एयर है, वो सबसे ज़्यादा जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दी सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट. फिर कैसे ट्रांसफर होती है ये हीट इन सब्सटेंसेस में, आओ सीखने की कोशिश करते हैं. एक्टिविटी 4.8, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क. आपको राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है, ठीक है. इफ़ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज. आप बीकर को यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास राउंड बॉटम फ्लास्क नहीं है. फिल इट 2/3 विद वाटर. आपको 2/3 उसका जो पार्ट है वो आपको फिल करना है. प्लेस इट ऑन अ ट्राईपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाई प्लेसिंग अ कैंडल बिलो. आपको या तो ट्राईपॉड स्टैंड पर रख दो या फिर ऐसे अरेंज कर दो कि नीचे आपकी कैंडल लग जाए, ठीक है ना. वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल. आपको क्या करना है, वेट करना है कि पानी थोड़ा उसमें बचा रहे, यानी कि सारा पानी उड़ जाए ऐसा नहीं, थोड़ा पानी बचा रहना चाहिए. प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क. आपको एक क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट का बॉटम में उस फ्लास्क में ऐड करना है, डाल देना है. जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ की हेल्प से डालना, क्योंकि पानी गर्म होगा जल जाओगे नहीं. नाउ हीट द वाटर बाई प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल. आपको क्या करना है, क्रिस्टल के नीचे से आपको कैंडल लगानी है, गर्म करना पानी. राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वट यू ऑब्जर्व. आप ऑब्जर्वेशन नोट करोगे और पिक्चर को ड्रॉ करोगे जो आपने ऑब्जर्व किया. When water is heated, the water near the flame gets hot. Hot water rises up. The cold water from the sides moves down towards the source of heat. आप क्या देखोगे, जब कैंडल नीचे जब गर्म होगा पानी तो वो हॉट वाटर ऊपर की ओर जाएगा, बाहर वाला ठंडा पानी गर्म नीचे की ओर आएगा. आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा देखने का, एक्टिविटी करोगे. This water also gets hot and rises. वाटर है किस तरीके से वो गर्म होगा, राइज होगा, ठीक है ना.
एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन, जो वाटर साइड्स होगा वो नीचे की ओर जाना स्टार्ट, मीन्स जहाँ गर्म पानी ऊपर ठंडा पानी नीचे, इस तरीके से आना शुरू हो जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, तब तक प्रोसेस होती रहती है जब तक कि पानी पूरा गर्म ना हो जाए। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन बोलते हैं, जब मीन्स ठंडा पानी नीचे जा रहा है गर्म पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन बोलते हैं। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर, कैसे हीट ट्रैवल करती है, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, स्मोक किस डायरेक्शन में चलता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस, द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस, इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। क्या होता है कि किस तरीके से जो हीट के पास एयर होती है वो राइज कर जाती है और ठंडी एयर वहाँ पर आ जाती है, इसको हम एक्टिविटी से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक की फिर बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी 4.9 से शुरू करने वाले हैं। थैंक यू।